नमस्कार साथियों, मेरा नाम नितिन खन्ना है और आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। आज जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे नए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 की। जो पिछला एक्ट था 1986 का, उसके अंदर कोई अमेंडमेंट नहीं की गई है। ये अपने आप में एक नया एक्ट है, इसके अंदर बहुत सारे प्रोविजन ऐड किए गए हैं। ये अपने आप में एक बिल्कुल नया एक्ट होने के साथ साथ कंज्यूमर्स को बहुत ज़्यादा एम्पावर भी करता है। आइए देखते हैं इस एक्ट के अंदर है क्या। लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट कि आपको अगर मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू। तो सबसे पहले बात करेंगे, ये एक्ट एप्लीकेबल हो रहा है 20th of July 2020 से। अब सेक्शन 28 के हिसाब से जो पहला चेंज है कि आप डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर जो फोरम थी उसको आप डिस्ट्रिक्ट कमीशन के नाम से जानेंगे। ये तो हुई एक बात। दूसरी चीज, आप सेक्शन 34 पे आएंगे तो 34 पे पता चलेगा कि जो डिस्ट्रिक्ट कमीशन की ज्यूरिसडिक्शन है, पेक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन, वो इनहांस कर दी गई है अप टू 1 करोड़ रुपीज। अब वो 1 करोड़ रुपीज होगा ऐसे कि जो आपने गुड्स और सर्विसेज हैं उनकी जो कंसिडरेशन दी है उसको कैलकुलेट करेंगे तो वो कंसिडरेशन अमाउंट 1 करोड़ रुपीज होगा। उस हिसाब से अब डिस्ट्रिक्ट कमीशन की ज्यूरिसडिक्शन होगी पेक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन। अब आप टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन की बात करेंगे तो इसमें एक नई चीज ऐड करी गई है। आप सेक्शन 34 में देखेंगे जो नई चीज ऐड करी है वो ये है कि अब कंज्यूमर जहां रहता है या जहां वो अपना काम करता है यानी वर्क फॉर गेन करता है, उस हिसाब से भी अब कंज्यूमर कंप्लेंट अपनी डाल सकेगा। अब अगर आप यदि बात करेंगे स्टेट कमीशन की पेक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन की, तो वो भी इनहांस कर दी गई है। अब जहां 1 करोड़ रुपए से ज्यादा अमाउंट होगा अप टू 10 करोड़ रुपीज, वो मुकदमे जो है आपकी कंप्लेंट्स होंगी, कंज्यूमर कंप्लेंट्स, वो फाइल होंगी स्टेट कमीशन में। और यदि अब आप सेक्शन 58 पे जाएंगे तो हमें पता चलेगा नेशनल कमीशन की जो ज्यूरिसडिक्शन है वो अब उन केसेस में होगी जहां पे गुड्स का प्राइस या सर्विसेज की प्राइस जो कंसिडरेशन मनी है आपने जो पे किया है वो 10 करोड़ रुपए से एक्सीड करती है। अब इसमें एक और नई चीज की बात करेंगे जो कि है मीडिएशन। इसमें आप अगर देखेंगे चैप्टर 5 को एक्ट के, तो मीडिएशन की बात कही गई है। इसमें चाहे डिस्ट्रिक्ट कमीशन हो, चाहे स्टेट कमीशन हो, चाहे नेशनल कमीशन हो, हर किसी के साथ एक अटैच्ड मीडिएशन सेल जरूर होगा जिसमें पैनल ऑफ मीडिएटर्स होंगे जो कि कमीशन अपॉइंट करेगी और उन मीडिएटर्स को आपकी कंप्लेंट्स को मीडिएट करके सेटल कराने की कोशिश करनी होगी। और यदि आपका सेटलमेंट हो जाता है तो सेम पहले जैसे मीडिएशन के अंदर होता था वही चीज की आपकी टर्म्स होंगी जो रिड्यूस करी जाएंगी राइटिंग में, साइन करेंगे पार्टीज और फिर वो रेफर कर दिया जाएगा बिफोर कमीशन, जो कि इस एक्ट के हिसाब से 7 दिनों के अंदर किया जाएगा और 7 दिनों के अंदर आपकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगी और आपका फिर केस फाइनल हो जाएगा। अगर आप बात करेंगे अपील की तो वो है सेक्शन 41 के अंदर। डिस्ट्रिक्ट कमीशन की अपील जाएगी स्टेट कमीशन में। अब उसका लिमिटेशन पीरियड एनहांस कर दिया गया है, वो हो गया है 45 डेज। लेकिन अगर उस पीरियड में भी आप अपील फाइल नहीं कर पाते तो आपको एक सफिशियंट कॉज शो करना होगा, और अगर वो सफिशियंट कॉज आप शो कर देते हैं तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन आपकी सुनवाई कर सकती है, आपकी अपील एंटरटेन कर सकती है। यदि बात करेंगे सेक्शन 51 की, वो प्रोवाइड करता है स्टेट कमीशन के ऑर्डर की अपील नेशनल कमीशन में। वो ऑर्डर की अपील आप 30 डेज में कर सकते हैं। यदि आप बियॉन्ड 30 डेज अपनी अपील फाइल करते हैं तो आपको सफिशियंट कॉज शो करना होगा। अब सेक्शन 51 में ही प्रोवाइडेड है कि अगर स्टेट कमीशन ने कोई ऑर्डर पास किया है पैसे देने का, तो यदि आप अपील फाइल करते हैं तो 50% ऑफ द अमाउंट जो कि ऑर्डर किया गया है वो आपको डिपॉजिट पहले करना ही पड़ेगा अपील की सुनवाई से। बात करेंगे सेक्शन 49(2) की। उसमें लिखा है यदि स्टेट कमीशन को लगता है कि कोई टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ही अनफेयर थी कंज्यूमर के लिए तो वो उसको भी नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकता है। यही पावर सेम नेशनल कमीशन की भी दी गई है सेक्शन 59(2) के अंदर। यानी अगर नेशनल कमीशन को लगता है कि कोई कॉन्ट्रैक्ट की टर्म अनफेयर थी कंज्यूमर के लिए तो वो उस कॉन्ट्रैक्ट की टर्म को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे पावर ऑफ रिव्यू की। सेक्शन 40 में डिस्ट्रिक्ट कमीशन को पावर है कि वो अपने ऑर्डर को रिव्यू कर सकती हैं ऑन इट्स ओन मोशन या आपकी एप्लीकेशन पे। वो एप्लीकेशन आपको 30 डेज के अंदर ही फाइल करनी होगी। पावर ऑफ रिव्यू ऑफ स्टेट कमीशन है सेक्शन 50 में और पावर ऑफ रिव्यू ऑफ नेशनल कमीशन है सेक्शन 60 के अंदर। अब यदि हम बात करेंगे एनफोर्समेंट ऑफ ऑर्डर्स की, तो हम देखेंगे सेक्शन 71 को जो प्रोवाइड करता है कि डिस्ट्रिक्ट कमीशन के ऑर्डर, स्टेट कमीशन के ऑर्डर और नेशनल कमीशन के ऑर्डर्स को एनफोर्स कैसे कराए जाएंगे। वो कहता है
कि आपकी एनफोर्समेंट सेम एज अ डिक्री ऑफ कोर्ट के बराबर ही होगी और जो प्रोविजंस ऑफ ऑर्डर 21 ऑफ सीपीसी है वो इस पे एप्लीकेबल होंगे। यदि बात करेंगे चैप्टर 6 की तो वो प्रोवाइड करता है प्रोडक्ट लायबिलिटी की। अगर डिफेक्टिव प्रोडक्ट की वजह से आपको कोई हार्म हुआ है तो वो आप अपनी कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर के अगेंस्ट या सर्विस प्रोवाइडर के अगेंस्ट या आप सेलर के अगेंस्ट भी कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। अब यदि प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर की लायबिलिटी की बात करें तो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर की लायबिलिटी बनती है अगर प्रोडक्ट ही डिफेक्टेड था, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट था उसमें, या डिजाइन में डिफेक्ट था, या जो डिजाइन स्पेसिफिकेशंस बताई गई हैं वो वेरी करती हैं, या अगर उन्होंने प्रोडक्ट पे प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस यूज करने की और वार्निंग नहीं दी गई है इम्प्रॉपर यूज की, तो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर की लायबिलिटी है। यदि बात करें प्रोडक्ट सर्विस प्रोवाइडर की तो उनकी लायबिलिटी होगी अगर कोई सर्विस प्रोवाइड जो करते हैं वो इन एडुकेट सर्विस प्रोवाइड करते हैं या डेफिशिएंट सर्विस प्रोवाइड करते हैं या फॉल्टी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, और यदि अपने पार्ट पे वो सर्विस प्रोवाइडर कोई ओमिशन करते हैं, कोई नेग्लिजेंस करते हैं, या फिर वो जानबूझ के कोई इन्फॉर्मेशन विद होल्ड करते हैं अपने पास। और दूसरी चीज कि अगर वो कोई आपको प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस नहीं देते कि कैसे यूज करना है या वार्निंग नहीं देते कि इसके अगर गलत यूज करेंगे तो आपको क्या हार्म हो सकता है, तो भी सर्विस प्रोडक्ट प्रोवाइडर की लायबिलिटी। अब यदि हम बात करेंगे प्रोडक्ट सेलर की लायबिलिटी की तो प्रोडक्ट सेलर की लायबिलिटी तब होगी यदि वो उनका ज्यादातर कंट्रोल सब्सटेंशियल कंट्रोल रहा है प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग पे या डिजाइनिंग पे या पैकेजिंग वगैरह पे उनका सब्सटेंशियल कंट्रोल रहा है तो प्रोडक्ट सेलर की भी लायबिलिटी होगी। दूसरी चीज लायबिलिटी प्रोडक्ट सेलर की तब होगी जब या वो प्रोडक्ट को ऑल्टर कर देता है या मॉडिफाई कर देता है और उस वजह से कोई हार्म हो जाता है यूजर को, तो उस केस में भी प्रोडक्ट सेलर की लायबिलिटी रहेगी। तीसरी लायबिलिटी तब रहेगी यदि अपनी तरफ से ही प्रोडक्ट सेलर कोई वारंटी दे देता है जो कि ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर ने या सर्विस प्रोवाइडर ने आपको नहीं दी थी। चौथी चीज जो है वो ये होगी कि अगर प्रोडक्ट जो सेलर आपको बेच रहा है उस प्रोडक्ट के ऊपर मैन्युफैक्चरर की आइडेंटिटी का कुछ नामो निशान ही नहीं है, आप आइडेंटिफाई कर ही नहीं सकते प्रोडक्ट का जो मैन्युफैक्चरर है वो कौन है। पांचवी चीज यदि प्रोडक्ट सेलर ने प्रॉपर उसकी असेंबलिंग नहीं करके दी है, आपको प्रॉपर सर्विस नहीं प्रोवाइड करी है, या आप तक प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस जो उनको देनी चाहिए थी यूजेस की या इसको कैसे यूज नहीं करना है उसकी वार्निंग्स नहीं देता, तो भी प्रोडक्ट सेलर की लायबिलिटी नहीं होगी अगर कंज्यूमर खुद ही प्रोडक्ट खरीदने के बाद उसे ऑल्टर करता है या मॉडिफाई करता है या उसका इम्प्रॉपर यूज करता है। अब यदि बात करेंगे प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर की लायबिलिटी की तो यदि प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर ने आपके एम्प्लॉयर को प्रोडक्ट बेचते वक्त वो सारी इंस्ट्रक्शंस और वार्निंग्स बता दी गई थी लेकिन आपके एम्प्लॉयर ने आपके अपने एम्प्लॉयज को नहीं बताई और एम्प्लॉय को कोई लॉस हो जाता है, कोई हार्म हो जाता है, तो उसके लिए प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर लायबल नहीं होगा। और अगर प्रोडक्ट लीगली मेंट टू बी यूज्ड है अंडर एक्सपर्ट सुपरविजन के और आप वो एक्सपर्ट सुपरविजन नहीं लेते और आपको कोई हार्म हो जाता है तो भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर लायबल नहीं होगा। तीसरी चीज यदि आप उस प्रोडक्ट को अल्कोहल के नशे में या कोई प्रिस्क्रिप्शन ड्रग जो कि मेडिकल प्रैक्टिशनर ने प्रिस्क्राइब नहीं की गई है उसको लेके आपने उसकी वजह से आपको कोई हार्म हो जाता है प्रोडक्ट यूज करते वक्त तो भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर लायबल नहीं होगा। और यदि किसी प्रोडक्ट को यूज करने के कोई कॉमन नोन डेंजर्स बताएं, सबको कॉमनली जो नोन है प्रोडक्ट यूज करने से कि इससे यह हार्म हो सकता है अगर आप इसको प्रॉपरली नहीं यूज करें, और वो अगर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर नहीं बताता तो भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर लायबल नहीं होगा। इस एक्ट के अंदर CCPA यानी सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी की भी एस्टेब्लिशमेंट की बात की गई है। ये CCPA जो है कोई कंप्लेंट मिलने पे ये इन्वेस्टिगेट या इंक्वायर कर सकती है कि कंज्यूमर्स एज अ क्लास के राइट्स तो नहीं वायलेट हो रहे हैं कोई, या उनके साथ कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस तो नहीं हो रही है, या कोई फॉल्स या मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट तो नहीं कर रहा है जिससे कंज्यूमर्स या पब्लिक एट लार्ज को नुकसान हो सकता है, तो उनके राइट्स को वो प्रोटेक्ट करेगी। ये एक्ट ऑफेंसेस और पेनल्टीज के बारे में भी बात करता है। सेक्शन 88 बताता है कि अगर कोई सेंट्रल अथॉरिटी के ऑर्डर को कम्प्लाई नहीं करता है तो उनको 6 महीने की सजा का प्रावधान या 20 लाख जुर्माना या दोनों का प्रोविजन है। अब यदि कोई मैन्युफैक्चरर या सर्विस प्रोवाइडर फॉल्स या मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट करता है तो उस केस में 2 साल तक की सजा और 10 लाख का फाइन है, और अगर वो सब्सिक्वेंट ऑफेंस करता है यानी दोबारा उसके बाद ऑफेंस करता है तो 5 साल तक की सजा और 50 लाख तक के फाइन का प्रोविजन है।
अब यदि कोई मैन्युफैक्चर करता है प्रोडक्ट सेल के लिए या स्टोरेज के लिए, या कोई आदमी उसको सेल करता है या आगे इंपोर्ट करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है, जो ऐसे प्रोडक्ट जो कि उसे पता है कि अडल्ट्रेटेड है या स्पूरियस है, तो उस केस के अंदर भी सजा का प्रावधान दिया गया है। अब ये एक्ट है 107 सेक्शंस का, तो इसमें बहुत सारे प्रोविजंस और भी हैं, बहुत सारे सेक्शंस और भी हैं। मैं इस लिमिटेड टाइम पीरियड के में वीडियो में मैं लिमिटेड चीजें ही आपको बता पाया। आप इस एक्ट को खुद पढ़ें, समझें और फिर जहां हो सके आप इस एक्ट के प्रोविजंस को यूज करें। आज का मेरा वीडियो इतना ही, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।